That you will be safe home, you will be safe at home during the COVID-19, and you will be maintaining your physician's duty. अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम घर पे चुपचाप बैठे हुए हैं तो फिजिशियन की ड्यूटी को किस तरीके से निभा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक फिजिशियन का, चाहे कोई भी फिजिशियन हो, चाहे होम्योपैथिक फिजिशियन हो या एलोपैथिक फिजिशियन हो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं होता है। देर आर फाइव ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन, वी हैव टू अंडरस्टैंड फाइव ड्यूटी ऑफ फिजिशियन। The first is the promotion of health. The first is the promotion of health. Second is the prevention of disease. Third is the intervention of disease. Fourth is the treatment of disease. And fifth one is the rehabilitation. So, what do we understand by the promotion of health? Promotion of health कहने का मतलब होता है कोई भी इंसान अगर हेल्दी है, इफ एनी पर्सन इज हेल्दी, तो वो और ज्यादा कैसे हेल्दी कंडीशन में रह सकता है। जैसे ड्यूरिंग द COVID-19 वी आर सेइंग दैट वी हैव टू टेक द सिट्रस फ्रूट, हम लोग को जो खट्टे फलों को खाना चाहिए, जैसे संतरा खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, अपने हेल्थ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम लोग बीमार न पड़े। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हम लोग किस तरीके से बीमारी को रोक सकते हैं। तो बीमारी रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर स्टेइंग सेफ एट होम, हम लोग अपने घर पे सुरक्षित हैं, बाहर जा रहे हैं तो मास्क का यूज कर रहे हैं, कोई भी कार्य करने से पहले अपने हैंड को वॉश कर रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपर क्लीननेस इज नेसेसरी। उसके बाद अगर कोई इंसान अगर बीमार हो गया, अगर कोई इंसान बीमार हो गया तो यानी कि इफ ही इज अफेक्टेड फ्रॉम एनी डिजीज, इफ ही इज अफेक्टेड फ्रॉम COVID-19, देन उस बीमारी को, उस डिजीज को उसके शरीर में और कैसे और कम प्रभाव फैले उसको जो है हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कि दिस इज द इंटरवेंशन ऑफ डिजीज, हाउ वी विल इंटरफेयर द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इन ए ह्यूमन बॉडी, उसको हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं। जो मेन फेज होता है या जिसको हम लोग सिर्फ समझते हैं, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी कि उस बीमारी का इलाज करना, और बीमारी के पश्चात दो फेट होगा, इफ पर्सन सर्वाइव और डेथ, अगर वो पर्सन सर्वाइव करता है तो कैसे फिर से अपनी जिंदगी को वापस एक अच्छे रूप से जिया जा सके, यानी दिस इज द रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, यानी कि आफ्टर एनी सफरिंग और आफ्टर एनी डिजीज हाउ कैन एनी पर्सन कैन सर्वाइव। तो अब आप घर रहते हुए भी आप फर्स्ट ड्यूटी ऑफ फिजिशियन, किसी भी चिकित्सक का पहला ड्यूटी को आप आंसर में लेकर सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं कि हाउ टू रिमेन हेल्दी, आप कौन कौन सी एक्टिविटी करें जिसके कारण आपका हेल्थ और अच्छा हो, आपका इम्यूनिटी और बूस्ट अप हो, बीमारी कैसे न फैले। तो आप दो ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी, सेकेंड ड्यूटी और फिफ्थ ड्यूटी घर पे बैठे बैठे अपने सराउंडिंग में अपने आस पास वालों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने समाज की भी सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए विश्वास, नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी।
FMT has two part, forensic medicine and toxicology, and we will proceed to our forensic toxicology. Forensic toxicology. Forensic toxicology, it is a branch of toxicology. So at first we have to understand what is toxicology. So toxicology is the study of toxin plus logy, yani ki koi bhi substance jo aapke body ke upar जब आपके बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है या एडमिनिस्टर किया जाता है आपके बॉडी के अंदर, तो उसको एडमिनिस्टर करने के बाद आपके बॉडी में इल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं टॉक्सिन, और उसी के अध्ययन को, उसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग। टॉक्सिकोलॉजी इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट, इसको हम लोग विश्व विज्ञान भी कह सकते हैं, विश्व विज्ञान भी कह सकते हैं। तो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी टॉक्सिन का स्टडी करते हैं। तो टॉक्सिन के स्टडी में क्या करते हैं हम लोग, टॉक्सिन के प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं कि वो टॉक्सिन कहां पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद उस टॉक्सिन के एक्शन की बात करते हैं, आखिर वो टॉक्सिन कैसा एक्शन प्रोड्यूस करता है, आपके हार्ट पे एक्शन प्रोड्यूस करता है कि आपके लंग्स पे एक्शन प्रोड्यूस करता है कि आपके स्किन पे एक्शन प्रोड्यूस करता है, एस्फिक्सिया कॉज करेगा कि कार्डिक इरिटेशन कॉज करेगा। उसके बाद सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, यानी कि हर आपका प्रत्येक टॉक्सिन का जो ट्रीटमेंट, सिम्टम, डायग्नोसिस, एक्शन प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। और सबसे लास्ट में स्टडी करते हैं प्रत्येक पॉइजन का हम लोग ऑटोप्सी फाइंडिंग, ऑटोप्सी फाइंडिंग यानी इन द केस ऑफ डेथ, यानी कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग, यानी कोई पर्सन अगर किसी पॉइजन को लेने के बाद डेथ कर जाता है तो प्रत्येक पॉइजन का जो आपका ऑटोप्सी फाइंडिंग है या पोस्टमार्टम फाइंडिंग है, सारे पॉइजन का अपना अलग अलग होता है। तो दिस वाज टॉक्सिकोलॉजी, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। व्हाट इज द टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल और पॉइजन। एक आपका चिकित्सा विज्ञान का शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी विष का, जहर का विपरीत प्रभाव या अपने शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव को देखते हैं। तो उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, टॉक्सिन के प्रॉपर्टी को, एक्शन को, सिम्टम को, डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट को या टॉक्सिन फाइंडिंग को। तो फिर फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, तो आप लोग फॉरेंसिक वर्ड का मतलब जानते हैं। फॉरेंसिक वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू लॉ। यहां जहां भी वर्ड आ जाएगा आपका जाएगा रिलेटेड टू लॉ। तो यानी कि दिस इज द टॉक्सिकोलॉजी, दिस इज द मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ, मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ टॉक्सिन। यानी किसी इंसान को जहर देने के बाद उसके ऊपर कौन कौन सी कार्रवाई होती है, ठीक क्या क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, What will be the effect? What will be the punishment? उसके बाद कोई इंसान अपने साथ अगर ड्रग्स कैरी करता है, गांजा कैरी करता है, हीरोइन कैरी करता है, कैफीन कैरी करता है, तो उसको कौन कौन सी सजा हो सकती है, इसके बारे में आपका जो ब्रांच स्टडी करता है दैट इज द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। यानी दिस डील्स विथ, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी डील्स विथ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ टॉक्सिन। इट डील्स विथ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ टॉक्सिन। तो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी उसका ब्रांच, आपका टॉक्सिकोलॉजी का ब्रांच फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, यानी टॉक्सिकोलॉजी इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट और उसके अंदर आता है आपका फोरेंसिक
टॉक्सिकोलॉजी। उसी की तरह एक वर्ड होता है आपका क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, एक वर्ड आता है आपका क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि क्लिनिकल इफेक्ट किसी पर्सन के अंदर सिम्टम प्रोड्यूस हुआ, कोई भी साइन है सिम्टम आया तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर कोई आर्सेनिक पॉइजन का केस है, आपका लीड पॉइजन का केस है, आपका किसी भी पॉइजन का केस है, सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजन का केस है, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट का हमारा क्या प्रोसीजर होगा, दैट विल बी कम्स अंडर द क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। यानी कि हम लोग अगर कोई फिजिशियन किसी भी पॉइजनिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो दैट विल कम्स अंडर द क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। लेकिन उससे अगर लॉ जुड़ा हुआ है, लीगल वर्ड जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू लॉ जुड़ा हुआ है, तो दैट विल बी कम्स अंडर द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो एक डॉक्टर का पॉइजनिंग के केस में दो ड्यूटी होता है, कोई भी डॉक्टर चाहे वो होम्योपैथिक फिजिशियन हो चाहे एलोपैथिक फिजिशियन हो, उसका दो ड्यूटी होता है, टू ड्यूटी इन केस ऑफ पॉइजनिंग, टू ड्यूटी इन केस ऑफ पॉइजनिंग। द फर्स्ट ड्यूटी इज द मेडिकल ड्यूटी एंड सेकेंड ड्यूटी इज द लीगल ड्यूटी। अगर कोई पेशेंट आपके पास जहर खा के आता है, या तो उसको किसी ने जहर दे दिया है, पॉइजन दे दिया है, पॉइजनिंग का केस है, अगर आपके पास अगर आता है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि आप उस पेशेंट की जान बचाइए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन इज टू सर्वाइव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। उसके बाद सेकेंड ड्यूटी होता है आपका लीगल ड्यूटी, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस अपने तरीके से उसको इन्क्वेस्ट करेगी, अपने तरीके से उसमें फाइंड आउट करेगी व्हाट विल बी द पोजीशन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटीज। तो मेडिकल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी दोनों ही कर्तव्य होता है किसका, एक फिजिशियन का। अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो दैट विल कम्स अंडर द क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, और अगर उसको हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उसके मामले में इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इट विल कम्स अंडर द फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो किसी भी डॉक्टर का दो ड्यूटी, मेडिकल ड्यूटी एंड लीगल ड्यूटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग मेनली टॉक्सिन की बात करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग किसकी बात करते हैं, टॉक्सिन की बात करते हैं। टॉक्सिन यानी कि पॉइजन, विष या जहर, कोई भी सबस्टांस, तो इसका डिफिनेशन होता है टॉक्सिन या पॉइजन का, कोई भी सबस्टांस, एनी सबस्टांस या सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, एनी सबस्टांस इन एनी फॉर्म, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, इफ टेकन ओरली, टेकन इनसाइड द बॉडी और अप्लाइड ओवर द बॉडी। अगर कोई भी सबस्टांस, सॉलिड, लिक्विड या गैस शरीर के अंदर लिया जाए, उसको पिया जाए, खाया जाए, उसको शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए या शरीर के ऊपर कॉन्टेक्ट में लाया जाए, उसके बाद आपके बॉडी में अगर एक एडवर्स इफेक्ट, अगर एक विपरीत प्रभाव प्रोड्यूस करता है, आपके शरीर को बीमार बनाता है, तो वही क्या है, जहर है, वही एक टॉक्सिन है। तो कोई भी सबस्टांस जो आपके शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है, वही क्या होता है, दैट विल बी, दैट इज ए टॉक्सिन, दैट इज ए पॉइजन। तो यहां कहा गया है कि फिर हमने कहा कि एनी सबस्टांस, तो एक चीज ये भी होता है कि कोई भी चीज आपका पॉइजन हो सकता है, एनी सबस्टांस कैन बी ए पॉइजन। तो फिर तो गलत बात हो गई कि कोई भी चीज पॉइजन हो गया, कोई भी चीज जहर हो गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस इज द डोज, किसी भी चीज की मात्रा उस चीज को निर्धारित करती है कि वो आपके बॉडी के ऊपर एक स्वस्थ प्रभाव डालता है कि हेल्दी प्रभाव डालेगा या इल प्रभाव डालेगा, यानी कि डोज मेक्स द पॉइजन, डोज मेक्स द पॉइजन, डोज मेक्स द पॉइजन।
कि किसी भी सब्सटेंस का डोज उसका मात्रा इस चीज को निर्धारित करेगा कि वो पॉइजन है कि नहीं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपने बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ले लिया, उसके कारण आपके बॉडी के ऊपर एक विपरीत प्रभाव पड़ा, एडवर्स इफेक्ट पड़ा, इल इफेक्ट पड़ा, तो उस वही क्या हो जाएगा, आपका पॉइजन हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या होता है पॉइजन और मेडिसिन में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइजन एंड मेडिसिन, पॉइजन और मेडिसिन में क्या अंतर होता है, इस चीज को समझना हम लोग को जरूरी है। एक जहर और दवा, आप लोग को लगता होगा कि दोनों चीजें एकदम अलग है, एक जान लेती है और एक जान बचाती है। पॉइजन क्या करता है, जान लेता है, मेडिसिन क्या करता है, जान बचाता है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, पारासीटामोल, पारासीटामोल आप लोग सब लोग जानते होंगे, एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, बुखार की दवा है, लेकिन ये आपका पॉइजन भी है और एक मेडिसिन भी है, पॉइजन भी है और मेडिसिन भी है। तो हाउ एनी सब्सटेंस, हाउ ए सिंगल सब्सटेंस कैन बी पॉइजन एंड कैन बी मेडिसिन, इफ पारासीटामोल इज गिवन टू सेव द लाइफ ऑफ ए पेशेंट, अगर एक पारासीटामोल दवाई अगर किसी पेशेंट के लाइफ को बचाने के लिए दी जाती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, एक फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है टू फॉर द इंटेंशन, इंटेंशन टू सेव द लाइफ, किसी पर्सन के जिंदगी को बचाने के उद्देश्य से कोई भी सब्सटेंस अगर दिया जाए तो वो आपका मेडिसिन होता है। लेकिन टू किल द पर्सन, किसी पर्सन को जान से मारने के उद्देश्य से या खुद को जान से मारने से के उद्देश्य से कोई दवा या कोई भी सब्सटेंस लिया जाए तो क्या होगा, वो पॉइजन हो जाएगा। अगर किसी ने पैरासीटामोल का लार्ज अमाउंट अपने बॉडी में ले लिया, उसको खा गया, तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल बी द पॉइजन। ये कोई जरूरी नहीं कि पॉइजन लेने के बाद मरना जरूरी है, उसके बॉडी के ऊपर एडवर्स या इल इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। आप लोग सिंपल सा एक दवा का नाम जानते होंगे, एल्प्राजोलाम, एल्प्राजोलाम जानते होंगे। दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा की दवा है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि रात में सोते समय आप एक गोली खाइएगा तो दैट विल बी द मेडिसिन, लेकिन आप लोग सुनते होंगे एक पर्सन था पूरा वो नींद की गोली का एक डब्बा खा गया और उसकी डेथ हो गई, तो दैट विल बी द पॉइजन। तो पॉइजन और मेडिसिन में अंतर नहीं है, बस आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन दो टाइप का होता है, उद्देश्य दो टाइप का है आपका, टू हार्म द पर्सन, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना हो, और दूसरा है टू सेव द पर्सन, किसी पर्सन को बचाना हो। अगर आपका इंटेंशन है हार्म करना तो जो सब्सटेंस आप दे रहे हो क्या होगा, आपका पॉइजन होगा। अगर आपका इंटेंशन है किसी पर्सन को सेव करना तो वो क्या होगा, आपका मेडिसिन होगा। तो मेडिसिन में हम लोग इंडिकेटेड डोज की बात करते हैं, इसलिए कोई भी दवा या कोई भी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमेशा लिखा रहता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। क्यों, क्योंकि फिजिशियन को नहीं पता है कि क्या डोज उसका देना चाहिए। अगर आप खुद से लेंगे तो डोज ज्यादा ले सकते हैं और वो आपको हार्म कर सकता है, तो एक मेडिसिन आपको पॉइजन की तरह काम कर सकता है। तो हम लोग सिंपल भाषा में एक बात यहां बोलेंगे, डोज मेक्स द पॉइजन, डोज मेक्स द पॉइजन, यानी कि आपका किसी भी चीज का अमाउंट कितना है वही ये डिसाइड करता है कि वो जहर होगा कि दवा होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, तो टॉक्सिन के बारे में उन्होंने बात कर लिया, एक वर्ड आपका आता है टॉक्सिनोलॉजी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ टॉक्सिन मेनली इट्स
सोर्सेस। टॉक्सिनोलॉजी का मतलब होता है कि टॉक्सिन का स्टडी करना, मेनली उनके सोर्सेस का, कि वो आपका कहां से आया है, आपका प्लांट किंगडम का है, एनिमल का है, फंगल का है, या किस सोर्स से आया है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग का। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। ऑन लीगल बेसिस, कानूनी रूप से पॉइजनिंग का कितना टाइप होता है? तो कानूनी रूप से आपका पॉइजनिंग का तीन टाइप है, यानी कि फोरेंसिक बेसिस के बेस पे आपका पॉइजनिंग कितना टाइप है, तो तीन टाइप होता है। फर्स्ट इज द होमिसाइडल, सेकेंड इज द सुसाइडल, एंड थर्ड वन इज द एक्सीडेंटल। होमिसाइडल पॉइजनिंग, सुसाइडल पॉइजनिंग और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। तो होमिसाइडल पॉइजनिंग, सुसाइडल पॉइजनिंग एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। होमिसाइडल पॉइजनिंग का क्या मतलब है? अगर कोई भी पॉइजन, कोई भी टॉक्सिन किसी अदर पर्सन को दिया जाए, किसी अदर पर्सन को दिया जाए ताकि उसको हार्म हो, ताकि उसको नुकसान हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? होमिसाइडल पॉइजनिंग। किसी पर्सन ने दूध में मिला के किसी पर्सन ने किसी को पॉइजन दे दिया ताकि उसको हार्म हो जाए, ताकि वो मर जाए, तो क्या होगा? वो होमिसाइडल पॉइजनिंग में वो आएगा। हो गया टाइम ऑफ लगा